नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की घटना की, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार में माँ और बेटी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन की निर्दयता का शिकार होते हैं और जिंदा जलकर मर जाते हैं। लेकिन जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले राजनीतिक लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह आज कोरे दावे करके फिर से अपने वोट बैंक की राजनीति में जुट जाते हैं। दलितों और गरीबों की राजनीति करने वाले यह राजनीतिक लोग कभी जाति मुद्दों से बाहर निकलकर देखने की कोशिश नहीं करते और हर समय चीज़ों को जाति चश्मे से देखते हुए महज अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि असली गरीब गरीब ही रह जाते हैं और उनकी सुनने वाला कोई भी सामने नहीं आता। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ DM ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ ना नोटिस आई ना कुछ, अपने आप आके खड़ी हुई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं, उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान तहस नहस। अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का ही गिरा देगी। आपकी गिरा दी गई है? हाँ। पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी जाति के नाम पर आरक्षण की आग पर रोटियां सेकी जाती हैं और सरकारी सुविधाओं को लेने वाले अमीरों, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को आरक्षण के नाम पर सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन जो असली गरीब हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। गरीब मरते रहते हैं, नेता घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं और गरीब की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अमीर अमीर होता रहता है और भी गरीब होता जाता है, ये स्थितियाँ लगातार समाज में देखी जाती हैं। कानपुर देहात के मैथा क्षेत्र के मड़ौली गाँव में कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार 3 पीढ़ियों से रह रहा था, लेकिन परिवार के आरोप के अनुसार लेखपाल और तहसीलदार आदि को कुछ लोगों ने घूस देकर इनके घर को गिराने की राजनीति शुरू कर दी। अग्नि के हादसे का शिकार हुई मां प्रमला दीक्षित व बेटी नेहा इस मामले को लेकर DM नेहा जैन के पास गई थी, लेकिन DM साहिबा ने उनको दफ्तर से भगा दिया और उनकी एक भी नहीं सुनी। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ DM ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ ना नोटिस आई ना कुछ, अपने आप आके खड़ी हुई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। माँ बाप अपने घर को बचाने के लिए अधिकारियों के सामने चक्कर लगाती रहीं और गिड़गिड़ाती रहीं, क्योंकि अगर घर गिर जाता तो 21 साल की एक जवान बेटी को लेकर वह जाती भी कहाँ और एक गरीब के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता से अंत में माँ बेटी को यह संसार छोड़कर जाना पड़ा और उनके सांसारिक संघर्ष की यह कहानी भी समाप्त हो गई और फिर शुरू हुआ राजनेताओं की राजनीति का खेल। ये कौन तरीका पीड़ित परिवार पर क्षेत्र की जनता आ रही मिलने के लिए, आप वहाँ पे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा पुलिस DM थे वहाँ, बस डांस करवाओ उससे और कुछ मतलब ही नहीं है। गांव का सीखा रुपये भिजवाओ, क्या यहाँ मानसिकता बना, आदमी मरने दो साले को। शादी की डोली उठने की उम्र में 21 साल की जवान बेटी माँ के साथ आग में जलकर मर गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इन अफसरों पर सवाल उठा रही है। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार के नेता और मंत्री भी आजकल सारा काम डिजिटल करने में लगे हुए हैं और इसी अभियान के तहत डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी पीड़ित परिवार को डिजिटल संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि उनके पास पीड़ित परिवार के घर तक जाने का समय नहीं था। हेलो, नमस्ते सर, हमारे साथ, हम इस गांव में हैं सर और हमारे साथ परिवार के जो है, जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम जी, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है, हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं, हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं, सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की,
हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तू हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, कि घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो जो दोषी है उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, बहुत दुखद घटना है, और जितनी भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे, और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के पास समय न होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की और बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी भी किसी गरीब का घर गिराने का आदेश नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ का यह वीडियो भी इस समय खूब वायरल हो रहा है। अध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े, जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं, गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए, व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। इस समय कानपुर देहात का यह मामला पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं और उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने एक बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। हम इसकी जानकारी करके आपको अवगत करा देंगे, हम इस समय इस बड़ी जानकारी पूरी तरीके से नहीं गए और आज ये पूरी जानकारी देना भी ठीक है। जातिगत जनगणना के सबसे बड़े पक्षधरों में से एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी जाति के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पीड़ित परिवार के गांव पहुंचा, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। नहीं चलेगी। ऐसा है कि अभी सूचना ये आई है, लखनऊ से मनोज पांडे जी भी निकल चुके हैं, हमारे डेलीगेशन का हिस्सा है, कानपुर से विनोद अग्रवाल जी निकल चुके। जब माँ बेटी पर मौत नाच रही थी तब खुद नाचने में व्यस्त कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन के प्रति सरकार का क्या रवैया होता है यह देखना दिलचस्प होगा। वोट बैंक बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोग इस मुद्दे पर क्या करेंगे, उनका क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और उठाते रहिए गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।